नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिल 7 नाम का एक ड्रॉप है जिसका जर्मन होम्योपैथिक ये एक औषधि है जिसका आप खांसी में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉप है इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है। ये जो ड्रॉप है कौन से खांसी में आपको इस्तेमाल करना है, साथ में इस ड्रॉप में कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं जो मदद करता है आपको खांसी से राहत देने में, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एडिल 7 ये जो ड्रॉप है ये एक जर्मन होम्योपैथिक औषधि है। ये आपको हर तरह की खांसी जो होती है, जैसे कि सूखी खांसी हो, वेट खांसी हो या फिर काली खांसी हो, तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मेडिसिन सूखी खांसी में भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो भी खांसी की तकलीफें हैं वो खत्म हो जाती है। खांसी आपको किन कारणों की वजह से हो सकती है जिसके लिए आप ये ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आपको अस्थमा की तकलीफें हैं, दमा की तकलीफें हैं जिसमें आपको खांसी होती है, तो वैसे खांसी में ये ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपको फ्लू होता है यानी कि सर्दी जुकाम की जो तकलीफें होती है उस वक्त जो होने वाली खांसी है, तो वैसे खांसी में भी राहत पाने में ये ड्रॉप जो है, ये मेडिसिन जो है, ये मदद करता है। अगर आपको स्वर यंत्र का प्रदाह होता है यानी कि लायरेंजाइटिस होता है या फिर आपको स्वर यंत्र का बार बार इरिटेशन होता है उसके वजह से आपको खांसी रहती है, तो वैसे सिचुएशन में भी ये ड्रॉप जो है, ये मेडिसिन जो है, ये मदद करता है उस खांसी को ठीक करने में। साथ ही में अगर आपको आपके फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ है जिसमें आता है ब्रोंकाइटिस या फिर COPD क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज, ऐसी परेशानियां हैं जिसके वजह से आपको खांसी होती है, तो वैसे खांसी में भी ये ड्रॉप जो है ये मदद करता है। तो ये जो ड्रॉप है, ये जो मेडिसिन है एडिल 7, ये आप हर तरह की खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो मदद करती है आपको खांसी से राहत पाने के लिए। अब वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इस मेडिसिन का डोज कैसे होगा, इसका सेवन आपको कैसे करना चाहिए। इसमें पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है वो है अम्ब्रेसिया। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि अगर आपके फेफड़ों का आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपके ब्रोंकियोल्स में एयर पैसेजेस में म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा भरा है जिसके वजह से आपको खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो वैसे सिचुएशन में अम्ब्रेसिया मेडिसिन मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ब्रायोनिया। ये जो ब्रायोनिया मेडिसिन है ये सूखी खांसी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहां पर ड्राइनेस सूखापन बहुत ज्यादा है। इसमें क्या होता है कि आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा सूख जाता है और इरिटेशन होता है और उस ड्राइनेस की वजह से आपको कफ ज्यादा आता है, तो वैसे कंडीशन में ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में फ्लू में होने वाला जो कफ है उसमें भी राहत देने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है जलसेमिया। जलसेमिया मेडिसिन जहाँ पर फ्लू बहुत ज्यादा है या फिर फ्लू के बाद या फिर सर्दी जुकाम के बाद जो खांसी है वो जल्दी जा नहीं रही है, तो वैसे कंडीशन में जलसेमिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में खांसी के बाद जो आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है जिससे आप उभर नहीं पाते हो, तो उस थकान को भी राहत देने का काम ये जलसेमिया मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ओरोम्यूर। ये जो मेडिसिन है ये खांसी से राहत पाने में मदद देती है, साथ ही में अगर आपके फेफड़ों में बलगम है तो उसको भी बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कोकस कैक्टाई। ये जो मेडिसिन है ये जहाँ पर आपको लंग्स में बहुत ज्यादा म्यूकस है, बलगम है या फिर आपको फ्लू की परेशानियां हैं या आपको स्वर यंत्र का प्रदाह है, तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है क्यूप्रम एसेटिकम। ये जो मेडिसिन है जहाँ पर आपको स्वर यंत्र का प्रदाह है, सूखी खांसी है या फिर बलगम वाली खांसी है, तो वैसे सिचुएशन में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हाइड्रा। ये जो मेडिसिन है
जहाँ पर आपको सूखी खांसी है और खास खासकर आपको वोमिटिंग हो जाएगी ऐसा आपको सेंसेशन है या फिर होती है, तो वैसे सिचुएशन में ये हाइड्रा मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है लेक्यूटा विरोजा। ये जो मेडिसिन है जहाँ पर खांसी बहुत ज्यादा है और खास खासकर आपके चेस्ट में आपको दर्द हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन लेक्यूटा बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी बताए ये एडल 7 ड्रॉप में मिले हुए हैं, जो आपको मदद करता है हर तरह की खांसी से राहत पाने के लिए, चाहे वो सूखी खांसी हो, काली खांसी हो, फ्लू के वजह से हो या फिर सर्दी जुकाम के वजह से आपको खांसी हो, तो वैसे खांसी से मेडिसिन तुरंत ही राहत देता है। तो इस मेडिसिन को आपको सेवन कैसे करना है, तो लिक्विड फॉर्म में आता है, इसका पिक्चर भी मैंने वीडियो में लगाया है। साथ ही में मेडिसिन आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाकर इस मेडिसिन को आप खरीद सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार सेवन करना है, अगर खांसी ज्यादा है तो, एक्यूट है तो। अगर क्रॉनिक है, लंबे समय से आपको खांसी है, तो दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, आपकी खांसी से आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपको बच्चों में इस्तेमाल करना है तो इसके 5 या 7 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार देने हैं खांसी के लिए, जिसकी वजह से उनकी खांसी जो है वो जल्दी ठीक हो पाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।